सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। जो जल्दी उठते हैं और सूरज को जगाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्हें सूरज जगाता है अक्सर वो पीछे रह जाते हैं। तो आपने पूछा है कि क्या सुबह जल्दी उठना जरूरी है? देखिए, जब एक इंसान, जब एक टावर पैदा होता है, ऑब्वियसली बात है टावर ही पैदा होता है, तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, हमारे समाज का नाम रोशन करेगा, हमारे देश के नाम को बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो देखता है कि जब भी देश के स्वाभिमान की, सम्मान की और गर्व की बात आती है तो उसमें वो दो ही नाम सुनता है, या तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोई आर्मी पर्सन। मतलब ये दो ही लोग हैं जो देश के सम्मान को, देश के गर्व को, देश के स्वाभिमान को बहुत ऊपर ले जाते हैं। और वो सोचता है कि मुझसे उम्मीदें की गई थी कि मैं अपने जीवन में परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करूंगा, लेकिन वो सिर्फ इनके बारे में पढ़ता रहता है। अगर आप अब इन दोनों ही प्रोफेशंस जो आप, जो मैंने बताए, आर्मी पर्सनल या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप इनका शेड्यूल देखेंगे तो दे हैव ए स्ट्रिक्ट मॉर्निंग शेड्यूल। मतलब इनकी लाइफ में कुछ भी डिस्टर्ब हो सकता है, बट जो इनकी रोजमर्रा की मॉर्निंग प्रैक्टिस है वो किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं होती। आप देखते हैं आजकल तो अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में अगर बाढ़ भी आती है तो बाढ़ में भी आर्मी पर्सनल को बुलाया जाता है। हालांकि वो काम एनडीआरएफ और पुलिस वाले भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों के खुद के दे हैव देयर ओन टैंक्स, तो अगर पानी में उतरेंगे तो लेवल बढ़ जाएगा। एक आर्मी पर्सनल बाढ़ में जाता है, पानी में उतरता है, 40 साल का इंसान, 35 साल का इंसान, 20 साल के एक नौजवान को अपने कंधे के ऊपर उठाकर उस बाढ़ से बचाता है। एक 35 साल के इंसान की एनर्जी एक 20 साल के इंसान से बहुत कम होती है, लेकिन उस स्ट्रिक्ट मॉर्निंग शेड्यूल के दम पर, उस डिसिप्लिन के दम पर, सुबह जल्दी उठने के दम पर वो अपनी एनर्जी को एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर लेता है। आपने देखा होगा जब आप स्कूल में थे तो स्कूल वाले चाहते तो आपका टाइम 1 से 7 का रख सकते थे शाम को, कि बच्चा दोपहर में 1 बजे आएगा और शाम को 7 बजे चला जाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपका टाइम रखते हैं सुबह 7 से 1 का। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट में मॉर्निंग रूटीन डेवलप हो, क्योंकि जब मॉर्निंग रूटीन डेवलप होगा तो डिसिप्लिन होगा, और जब वो डिसिप्लिन होगा तभी उसका दिन सही होगा। जब उसका दिन सही होगा उसकी जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी। जब मैं बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि वो अपनी स्कूल लाइफ को बहुत मिस करते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट मिसिंग स्कूल लाइफ, दे आर मिसिंग डिसिप्लिन लाइफ, दे आर मिसिंग मॉर्निंग लाइफ। मुझे लगता है सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। जो जल्दी उठते हैं और सूरज को जगाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्हें सूरज जगाता है अक्सर वो पीछे रह जाते हैं। जब आप कोई भी काम सुबह जल्दी उठकर करते हैं तो उस काम में डिस्टरबेंस होने के चांसेस, क्योंकि उस वक्त आपके फैमिली मेंबर्स ज्यादातर सोए रहेंगे, तो आप सुबह उठकर जो भी काम करते हैं तो उस काम में डिस्टरबेंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और मेरा यह भी मानना है कि इंसान को हमेशा जल्दी उठना चाहिए, चाहे वो अहम से हो, वहम से हो, जमीर से हो, या फिर उसकी नींद से। इतना सब बोलने के बाद में आपका डिसीजन है कि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं या देरी से। थैंक यू।